थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद और मैं वेलकम करना चाहूँगा आप सभी का जितने भी लोग पैनल पे हैं और हम आज लकी हैं कि हमारे बीच में हमारे एक गैसे गैस स्पीकर हैं जो अभी नए नए ताज़ा ताज़ा बिजनेस बने हैं और बहुत ही कमिटमेंट और जोश के साथ इस बिजनेस में काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में अपने कमिटमेंट अपने ग्रे, ग्रे, ग्रेटिट्यूड और अपने एटीट्यूड की वजह से

और उसको प्रॉपर अगर उसका खाद पानी डाला जाए लालन पालन किया जाए तो वो बंदा एक डायमंड भी बन सकता है वो एक सेल नहीं एक डायमंड बन सकता है और आने वाले टाइम में वो डबल डायमंड डायमंड ट्रिपल वीनस क्राउन क्राउन और यूनिवर्सल बन सकता है दोस्तों कैसे आज हरिनारायण चौधरी जी अपने आज आ, आ, पोस्ट कोरोना काल में किस तरीके से अपने ज्यादा से ज्यादा करके ज्यादा ज्यादा अपनी टीम में मीटिंग करके ज्यादा ज्यादा अपनी होम मीटिंग करके ज्यादा से ज्यादा एफ़आईएम के माध्यम से अपनी टीम को एक्टिव कैसे रख रहे हैं कैसे अपना अभी कोरोना के काल में भी कैसे दो दो लाख का चेक बना रहे हैं और कैसे अपना इंग्लैंड का टारगेट भी कर रहे हैं बहुत सारे लोगों ने किया इंग्लैंड का टारगेट लेकिन इन्होंने भी उनमें से अपना नाम दर्ज करके दिखाया है दोस्तों बस मैं इतना ही कहूंगा कि आज का सेशन पेन और डायरी लेके और माइक्रोफोन से मतलब हेडफोन वगैरह लगा के और पेन और डायरी लेके सुने और अगर इस सेशन को आज सुन लिया तो मुझे पक्का यकीन है कि हम भी हरिनाम चौधरी जी कोरोना काल में डायमंड से सीधा यूनिवर्सल डायमंड से सीधा वीनस बने हैं आप सोचो हजार लोगों की टीम यानी कि 200 बीवी के साथ अभी कोरोना काल में लेके आए हैं तो इनकी बातों को जितने ध्यान से हम सुनेंगे जितने फोकस करके हम सुनेंगे उतना ही हम एफ के मास्टर बनेंगे और एफ के मास्टर बनने का मतलब और क्यूएससी बनाने का इनकी जो दो दो वो है यूएसपी है यूनिक सेलिंग पॉइंट है इनके कि लोगों को जो लोग नए नए आ रहे हैं उनको क्यूएससी बनाने का और उनकी एफ करने का लेकिन एफ करते हैं तभी उनको क्यूएससी बना पाते हैं तो कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एफ किया जाए और किस तरीके से किया जाए और फिर उनको कैसे क्यूएससी बनाया जाए और कैसे उनके ड्रीम जगा के उनको एक लीडर बनाया जाए ये सारी बातें आज सीखने का मौका मिलेगा और सारी बातें हरिनारायण जी ने सिस्टम के मुताबिक सारी चीजें सीखी है 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 और उनको किया है। क्योंकि बोला भी जाता है कि सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते वो उसी काम को थोड़ा सा अलग ढंग से करते हैं अलग भावना के साथ करते हैं अलग कमिटमेंट के साथ करते हैं अलग एटीट्यूड के साथ करते हैं तो दोस्तों आइए बगैर देरी किए हम सुनते हैं आज के हमारे स्पीकर लीडर और होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर हरि नारायण चौधरी जी वेलकम टाइगर स्वागत आपका प्रणाम माघू जी प्रणाम चरण वंदन और सभी साथियों को नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात थैंक यू माघरू जी आपने एक बार फिर से पैनल पे बोलने का मौका दिया और मैं चाहूंगा माघरू जी एक रिक्वेस्ट है कि एक कोई भी हो जो जिसकी मैं एफआईएम करना चाहूंगा कोई भी लीडर हो तो उसको अनम्यूट कर दोगे तो सही रहेगा बहुत ही बढ़िया वंडरफुल बस ठीक है मैं उसको दादा को करता हूँ दादा को अभी कर देता हूँ दादा आप मेरे मेरे ख्याल से आप रेडी है? हैं आ गए हैं दादा दादा आप रेडी हैं फाइव करवाने के लिए बहुत बढ़िया मैं आपको कोर्स भी बना देता हूँ दादा चलो दादा के आ जाए हो जाएगी मजा आ जाएगा हम्म ओके मेक कोस्ट ओके okay, हाँ, दादा रेडी है भाई हाँ दादा हाँ आप एफ आई एम करवाने के लिए रेडी हो बिल्कुल जी क्योंकि अभी अभी, अभी आप ट्रिपल डायमंड ऑलमोस्ट होने वाले हैं या हो गए हैं लेकिन अभी आपको यूसीए की आज एफ आई एम हो रही है बढ़िया है जी, जी, जी। यही तो सोच के एफ आई एम करवाना की आपने अभी आज ही नया ज्वाइन किया है ठीक है चलो ठीक है हाँ तो हरिना जी आप शुरुआत कर सकते हैं प्लीज थैंक यू जी थैंक यू जी नमस्कार विश्वास सर थैंक यू सर और बढ़िया विश्वास सर कैसे हो शानदार हो एकदम बढ़िया बढ़िया विश्वास सर जैसे आपने इस बिजनेस को शुरुआत किया है तो वैसे मैं चाहूँगा कि इस बिजनेस में हमारी फर्स्ट मुलाकात होती है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग बोलते हैं इसको हम और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग है ना उसके माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए जैसे कि आपने शुरुआत तो कर दी बिजनेस आपको दिखाया गया होगा कि यहाँ से आठ लाख महीना कमाया जा सकता है यहाँ से लाखों महीने कमाए जा सकते हैं यहाँ से जिंदगी बदलती है बहुत सारी चीजें आपको बताई गई है लेकिन मैं आज आपको बहुत सारी वो चीजें क्लियर करूंगा जिससे कि आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लें यस ले सर शुरुआत करते हैं आज उसके बारे में हम तो शुरुआत करेंगे सर स्वागत है आपका आज की के एफ आई एम के सेशन में आपका स्वागत है विश्वास सर you, और बहुत बहुत बधाई हो कि आप दुनिया के ऐसे महानतम व्यवसाय में आप आए हो जिसको डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है और उस बिजनेस में हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सपने पूरे हुए हैं जो अपनी ज़िंदगी बदल के और यहाँ से एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं तो स्वागत है आज के सेशन में आज आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है आज तक बहुत बढ़िया दिन आए हैं आपकी जिंदगी में लेकिन आज का दिन और ज्यादा बेहतरीन है क्योंकि आज के दिन से आपकी एफ आई एम का सेशन होगा और आज के दिन से आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा तो वेलकम टू द टीम सेब शॉप आप टीम सेपशॉप में ज्वाइन हो चुके हो तो बहुत बहुत बधाई हो इंडिया की महानतम और नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेब शॉप में आपका स्वागत है सर विश्वास सर और मानिए तो कि भरोसा करें विश्वास सर कि आज तक आपके पास ऐसा कोई बिजनेस ना था ना है और ना होगा ऐसा शानदार सिस्टम आपके पास आया है तो जैसे आपने बिजनेस की शुरुआत कर ली तो आप अपने मोबाइल के ऊपर आपके पास चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो चाहे आईफोन हो उसमें आप डब्ल्यू डब्लू डॉट सेप्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम अगर आप खोलते हो तो उस पर आप अपनी आईडी को खोल के और आप अपनी टीम साइज देख सकते हो सारी चीज़ें देख सकते हो जैसे कि आपने इस बिजनेस को शुरुआत किया तो मैं आज तीन चीज़ों पे डिस्कस करूँगा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग में वाई सेप सोप, यानी सेप सोप क्यों करना चाहिए सेब सोप से क्या मिल सकता है और सेब सोप कैसे करना है ये तीन चीज़ों पर आपसे आज मैं बात करूँगा तो शुरुआत करते हैं जैसे आपके डब्लू 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 डॉट सेप्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम खोलोगे तो ये आपके सामने ये मोबाइल के अंदर ये सामने आएगा और इसमें जैसे नेम आ रहा है वहाँ आप अपनी लॉग आई डी जो आपकी हमने बनाई है जो मैं आपको दे रहा हूँ ये लॉग आई डी मिलेगी और एक पासवर्ड जो जनरेट किया हमने वो आपको हम दे रहे हैं तो वो इसमें डालते ही साइन इन करोगे तो क्या है ऐसा आपका पेज जो खुलेगा ये सारे लिखे हुए आएंगे और इसके अंदर आप अपना पैन कार्ड अपडेट करना है आपको क्योंकि अभी आपने बिजनेस की शुरुआत की है और पेन कार्ड अपडेट करना इसलिए ज़रूरी है कि सर जैसे पेन कार्ड अपडेट नहीं करेंगे तो आपका जो टी है ना वो बीस परसेंट कटेगा इसलिए अगर अब आपने पैन कार्ड अपडेट कर दिया आप खुद अपना पैन कार्ड अपडेट कर सकते हो ऐसे जाके ये अपडेट योर पैन कार्ड लिखा हुआ आ रहा है ऑप्शन इसमें जाके अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे और वो अपडेट कर दोगे तो आपका फाइव परसेंट टी कटेगा उसके बाद अगर आपको चेक की जगह आजकल देखो ऑनलाइन का जमाना है और जो जल्दी काम हो वो करना है हमें तो चेक आने में तो वक्त लगेगा लेकिन मान लो आपका जो भी चेक बना वो आपके खाते में डायरेक्ट आ जाए तो कैसा रहेगा विश्वास सर बहुत बढ़िया है रहेगा सर तो उसके लिए आपको अपना नाम आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर डाल के और इसको अपडेट करोगे तो जैसे ही आपका चेक बनेगा उसके अगले दिन तुरंत आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा तो ये सबसे पहला काम आपको ये करना है तो ये कर लोगे सर जी सर जी सर चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया सर अब आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि हमारा सेप सोप का आउट का काम है या जो भी वर्किंग का काम है वो गुरुवार से लेके बृहस्पतिवार से लेके बुधवार तक हम काम करते हैं और अगले गुरुवार को अपना चेक तैयार होता है तो आप जैसे इस वीक से अभी शुरुआत करोगे तो इस वीक से लेके अगले गुरुवार तक आपका बुधवार तक काम करना है और गुरुवार को आपका चेक तैयार होगा सेब सोप से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या कोई भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी काम हो तो ये आपके सामने ये देखो जितने भी हैं ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो आपके सामने है आप कोई भी दिक्कत हो आप ऑनलाइन चेटिंग करके भी अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं ऑनलाइन चेटिंग के भी नंबर है और कस्टमर केयर के भी नंबर इनसे लेके भी आप अपनी कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान कर सकते हो इसके अलावा हम लोग भी बैठे हैं आपकी समस्या के समाधान के लिए तो सेप सॉफ क्यों करना चाहिए आपको अपना फाइंड योर वाई क्योंकि आपको क्यों करना है तो मैं बहुत सारे कारण आपको बताऊंगा उनमें से आपको सर्च करना है आपको ढूंढना है कि मेरा ये रीजन है इस वजह से मैं यहां से डायमंड बनना चाहता हूं ठीक है विश्वास सर जी सर जी सर पहला आपके सामने देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल सोर्स ऑफ इनकम तो जैसे कि आप जॉब करते हो तो जॉब तो दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं लगभग 90 परसेंट लोग जो भी करते हैं मान लो तो आज आपने इनका नाम सुना होगा वारेन बफेट सर का जी सर जी सर ये ये एक बात बोलते हैं कि कभी भी आय के एकल स्रोत पे निर्भर ना रहें भले आप जॉब कर रहे हो नौकरी कर रहे हो या कोई और भी दुकान चला रहे हो कुछ भी काम कर रहे हो लेकिन हमेशा अपनी इनकम का एक और सोर्स बना के रखो हमेशा क्योंकि इस दुनिया में पता नहीं कब उस सोर्स पे दिक्कत आ जाए और हम फाइनेंशियल कंडीशन हमारी खराब हो जाए इससे बढ़िया है हमारा एक और सोर्स बना के रखना चाहिए तो जैसे कि आपने जॉब के साथ साथ बधाई हो आपने सेब शॉप को चुना है आप सेब शॉप को शुरुआत कर चुके हो तो आपने क्या किया दूसरा सोर्स भी आपने रेडी करने के लिए शुरुआत कर दी है तो बहुत बहुत बधाई हो का आपने दूसरा सोर्स शुरू कर दिया है तो आज की दुनिया में देखो सर सीधी सी बात है परिवर्तन क्यों जरूरी है आज की दुनिया में ऑफलाइन से ऑनलाइन अपन चल रहे हैं और जिस भी आदमी ने नेटवर्क बनाया है वो ही आदमी आज दुनिया में टॉप में है सफल हैं जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आज उन्होंने अपना नेटवर्क बना के आज वो टॉप में जैसे सीधा उदाहरण है पहले होटल्स वगैरह ऑफलाइन बुक करते थे आज ऑनलाइन एक ओयो का प्लेटफॉर्म आया पूरी दुनिया के होटल्स को यहाँ जोड़ दिया और उसके बाद आप देख पा रहे हो कि आज ओयो ने एक पूरी दुनिया के होटल्स का नेटवर्क बना लिया और लाखों नहीं करोड़ों कमा रहा ऐसे स्विगी जोमेटो इन लोगों ने भी क्या किया एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना के और इन लोगों ने यहां भी आपके सामने एक पूरा का पूरा नेटवर्क खड़ा करके पूरा रेस्टोरेंट का नेटवर्क खड़ा करके और आज लाखों नहीं करोड़ों का मारे टैक्सी के मामले में देख लो ऑफलाइन चलती थी लेकिन आज ओला आया और पूरी दुनिया की टैक्सियों को जोड़ दिया तो आज आप देख रहे हो कि एक नेटवर्क बनाने की वजह से ओला भी लाखों नहीं करोड़ों कमा रहा है अमेजन को देख लो करोड़ों इसने नेटवर्क बनाया करोड़ों का और आज पूरी दुनिया में पैसा कमा रहा चाहे पेटीएम को ले लो चाहे भारत मेट्रोमनी है ऐसे ढेर सारे ऑप्शन है तो अब आपके पास भी एक शानदार मौका है क्योंकि इक्कीसवीं सदी का महान बिजनेस सेपसोपो और दमदार लीडर आपके साथ विश्वास सर भरोसा करिए बहुत बड़ी जिंदगी होने वाली है यहां भी हम एक शानदार नेटवर्क बना के और आज जैसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव आया वैसे आपकी जिंदगी में भी बदलाव आने वाला है पहला फायदा है सर पहला फायदा आप नौकरी करते हैं नौकरी में बोस रहता है तो यहां से बोस और लॉस से छुटकारा जैसे आप नौकरी करते हैं तो बोस से छुटकारा मिल जाएगा और भी मान लो कोई आपके साथी है या आप मान लो कोई काम धंधा करते हो दुकान करते हो और भी खेती करते हो कुछ भी तो वहां लॉस का डर रहता है कि नहीं रहता यस yes. तो यहां क्या है यहां आपका बोस और लॉस से दोनों से छुटकारा मिलने वाला है अगर आपने इस बिजनेस में नेटवर्क बनाया तो एक राजा वाली जिंदगी आप जियोगे और बोस और लॉस दोनों से छुटकारा हो जाएगा तो क्या आप चाहते हैं राजा वाली जिंदगी जीना यस yes. बहुत बढ़िया वेरी गुड सर तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ अपनी एक टीम बनानी है और टीम बनाने के बाद राजा की जिंदगी का आनंद आप ले सकते हैं सेब करने से देखो क्या क्या मिल सकता है मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करूंगा जैसे आप अपना जॉब कर रहे हो जॉब के साथ साथ मैं बोलता हूं अभी लाखों की बात ना करके मैं अगर छोटी बात करूं तो भी एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप इस बिजनेस को कर सकते हो भाई जैसे मान लो आप चालीस पचास हजार रुपये हो लेकिन साथ साथ में अगर थोड़ा थोड़ा शुरुआत किया तो अगले एक, दो महीने में तीन महीने में दस से बीस हजार रुपए की इनकम शुरू हो जाती है और धीरे धीरे यही इनकम लाखों में पहुंच जाएगी तो पहला काम है आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी अतिरिक्त आमदनी दूसरी चीज है आर्थिक स्वतंत्रता जैसे मैं आज आपको बताऊं एक आदमी तीस चालीस पचास हजार रुपए के लिए नौकरी करता है लेकिन उससे आज के टाइम में दो हजार बीस में आप देखोगे खर्चा नहीं चल पा रहा है। लेकिन मान लो आपने नौकरी भी कर रहे हो नौकरी के साथ साथ आपने इतना ही सेफ सोप से कमाया तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम फ्रीडम आपको आर्थिक स्वतंत्रता यानी मनी फ्रीडम यहां से आपको मिलने वाली है धीरे धीरे करके यही इनकम जब लाखों में पहुंच जाएगी तो आपको आर्थिक स्वतंत्रता मिल चुकी होगी क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो इतना पैसा हो किसी भी चीज को खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़े विश्वास सर अभी आप मार्केट में जाते हो तो बिना सोचे समझे खर्च कर डालते हो या सोचना पड़ता है सोचना पड़ता है सर सोचना पड़ता है ना लेकिन मैं आपको बताऊं जब आठ लाख रुपए महीने की इनकम होगी तब सोचना पड़ेगा फिर तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है सर जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ से मिलेगी इसलिए हमें इस बिजनेस को करना है सिर्फ सोप से खुद का बिजनेस हो जाएगा आपका जैसे अभी नौकरी कर रहे हो लेकिन नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को खुद का बिजनेस करके और यहाँ से कि अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर यहां से खड़ा कर सकते हो आप टाइम फ्रीडम यहां से ले सकते हो जैसे नौकरी है नौकरी सर साठ साल की उम्र तक आप करते रहोगे और साठ साल में बुढ़ापा आ जाएगा तो गवर्नमेंट भी आपको रिटायर कर दे कि जाओ हमारे काम के नहीं रहे आप लेकिन उस टाइम आप टाइम फ्रीडम मिल भी जाएगी तो क्या टाइम का सदुपयोग कर पाओगे या आप लाइफ को एंजॉय कर पाओगे विश्वास सर नो no, सर नहीं कर पाओगे ना तो सबसे पहली चीज है जब आज आपको एक मौका मिला है कि यहां से चार साल में आप रिटायर हो सकते हो तो यहां से रिटायर होना चाहिए सर यस yes. तो बिल्कुल आपके पास बहुत शानदार मौका है जैसे कि यहां से आप रिटायर हो सकते हो तीन से चार साल में जैसे आपका आठ लाख रुपए महीने तक आप जैसे पहुंच जाओ तो नौकरी आप करो या नहीं करो वो आपकी मर्जी है तो आपके पास टाइम फ्रीडम भी यहां से हो सकता है दूसरी चीज है कि आदमी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अलग अलग जगह से पैसे देकर कोर्स करता है करता है कि नहीं करता सर सर yes, यस लेकिन आपके पास एक शानदार मौका है यहां से आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में कर जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगी आपको बोलना आता है या नहीं आता है कहीं कोई भी चीज आती नहीं आती लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें यहां से सीख जाओगे और पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका फ्री में हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा जी सर जी सर बहुत बढ़िया और सबसे बड़ी बात है आज हम दूसरों की मदद तो करना चाह रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है पहले खुद की मदद तो हो जाए अब जब खुद की मदद नहीं हो रही तो हम दूसरों की मदद कहां से करेंगे लेकिन यहां से मैं आपको बताऊं अगर किसी भी आदमी को आप ये बिजनेस दोगे तो सबसे पहली चीज है अगले आदमी की ऐसी मदद कर रहे हो जो कोई भी नहीं कर पा रहा यानी आप अगर किसी को भी बिजनेस देते हो तो आठ लाख रुपए महीने कमाने का बिजनेस दे रहे हो यानी सबसे बड़ी मदद करने का काम कर रहे हो आप तो दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए यस yes, सर उसके अलावा आपकी जान पहचान देखो कहां तक रहती है आज मुझे बताओ सर आपकी जान पहचान आपके परिवार तक आपके रिश्तेदारों तक आपके गांव तक या आपके कस्बे तक और दूसरी बड़ी बात आप जहां जॉब करते हो वहीं तक है लेकिन अगर वही जान पहचान ऑल ओवर इंडिया तक हो जाए तो कैसी रहेगी बहुत बढ़िया रहेगा सर मजा आएगा यस yes, सर तो मैं आपको बताऊं सर आपकी अगर ये जान पहचान धीरे धीरे करके आप देखोगे आपकी एक टीम बनेगी यहां से जब दस हजार लोगों का आपका नेटवर्क होगा तो वही नेटवर्क धीरे धीरे करके आपका लाखों में पहुंच जाएगा और पूरी दुनिया में आपकी पहचान हो जाएगी तो बधाई हो आप ऐसे बिजनेस में आए हो जहां से आपकी एक बहुत बड़ी पहचान बनने वाली है और जल्दी रिटायरमेंट यानी चार साल में रिटायरमेंट टीम बना के आप डायमंड बन के रिटायरमेंट ले सकते हो और आप देखोगे नौकरी से भी रिटायरमेंट ले सकते हो कर सकते हो ना यस yes, सर और जायदाद छोड़ना यानी हम बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं अभी नौकरी में रहते तो क्या छोड़ के जा सकते थे कुछ नहीं ज्यादा कुछ नहीं छोड़ के जा सकते लेकिन यहां से जब आठ लाख रुपए महीना कमाएंगे तो सबसे बड़ी बात है जो आठ लाख महीने की आईडी है ना वो उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं तो हर महीने उनको आठ लाख रुपए महीने मिलेंगे बच्चों तो कैसा रहेगा बहुत बढ़िया रहेगा सर चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया तो आज आपके सामने देखो मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूं कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए जैसे आप नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं तो वो होती है एक्टिव इनकम और मैं आपको बताऊं दुनिया के 90 परसेंट लोग इस एक्टिव इनकम में फंसे हुए हैं दुनिया के 90 परसेंट से ज्यादा लोग इस एक्टिव में हुए है। वो पैसिव इनकम होती है जैसे आप हो आपकी ड्यूटी रहती है आठ घंटे पर डे रहती है आठ घंटा दस घंटे भी हो जाती है कई बार बारह घंटे भी करनी पड़ती है जी जी लेकिन सोच के देखो सर यही ड्यूटी आप आठ घंटे पर डे कर रहे हो और तीन सौ दिन कर रहे हो क्योंकि तीन सौ पैंसठ कर रहे हो एक साल और चालीस साल तक आप नौकरी करोगे तो कितने घंटे काम किया आपने लगभग छियानवा हजार घंटे काम किया आपने जी सर जी सर तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा क्योंकि टाइम इज मनी एक सिद्धांत बोलता टाइम इज मनी अगर आपका टाइम कहां जा रहा उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिल रहा है नौकरी के हिसाब से लेकिन इधर में देखोगे कि आप हो और आपने टीम बनाई दस हजार लोगों की अब दस हजार लोग हैं और ज्यादा नहीं मात्र तो दो दो घंटे कर रहे हैं पर डे काम दो दो घंटे पर वीक तो अगर दस हजार की टीम है और पर डे दो दो घंटे कर रहे हैं तो एक वीक की बात कर रहा हूं एक वीक में सर एक लाख चालीस हजार घंटे काम हो रहे हैं आपके लिए तो उधर घंटे काम हो रहे हैं पूरे चालीस साल में और इधर एक वीक में आपके लिए एक लाख चालीस हजार घंटे तो पैसा किधर से आएगा ज्यादा ज्यादा पे घंटा काम होंगे सर 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 वहीं से ज्यादा पैसा आएंगे समझ में आ गया सार? जी सार, जी सार। बिल्कुल इसलिए इस बिजनेस को करना जरूरी है तो चार साल जो आदमी काम करके एक दस हजार की टीम खड़ी कर लेता है उसके लिए ये आप पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाता है क्योंकि लोग काम करना शुरू कर देते हैं और लोग काम करना जिसके लिए शुरू कर दें वो आज दुनिया में टॉप में है तो उसी रास्ते पे आपको चलना है उसी रास्ते पे हम आगे निकल चुके हैं तो भरोसा करें विश्वास सर बहुत बड़ा काम होगा और आपको यहाँ से टाइम फ्रीडम मिलेगी आज आपके सामने है ढेर सारे लोगों के भी उदाहरण है लेकिन मैं मेरा बता देता हूँ मैं भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में नौकरी करता था और मेरे साथी हैं ये सुधीर जी जितेंद्र जी कलम जी ये भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में नौकरी करते थे हम लोगों ने इस बिजनेस को करना शुरू किया और आज आपको बताऊं नौकरी से हम लोग रिजाइन करके आज टाइम फ्रीडम आज हमें मिल चुका है समय की आजादी मिल चुकी है नहीं तो वही आपकी तरह आठ से बारह घंटा की ड्यूटी होती थी लेकिन आज आपको बताऊँ कि इस उम्र में हम आपके सामने रिटायर हैं तो कैसा रहेगा सर आप भी रिटायर हो जाओ अगले तीन से चार साल में तो बहुत बढ़िया रहेगा सर मजा आएगा Yes. क्योंकि साठ साल के बाद आप रिटायर तो हो जाओगे लेकिन लाइफ का इंजॉय नहीं कर पाओगे लेकिन अभी अगर तीन से चार साल में रिटायर हो गए तो लाइफ को इंजॉय कर सकोगे ना यस yes. तो इसलिए इस बिजनेस को करना है अब बात आती है फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक कैश फ्लो क्वारंट है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ क्योंकि ये जो रॉबर्ट कि है तो इन्होंने इस क्वारंट को दिया था इन्होंने बताया कि दुनिया में नाइन्टी फाइव परसेंट एक साइड में और फाइव परसेंट लोग एक साइड में और इन्होंने बताया कि पिचानवे लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की मात्र पांच परसेंट दौलत है यानी पूरी दुनिया की सौ परसेंट में से पांच परसेंट दौलत है पिचानवे परसेंट लोगों के पास और पांच परसेंट लोग ऐसे हैं जिनके पास पिचानवे परसेंट दौलत है दुनिया की ऐसा कैसे हो सकता है इसका रीजन बताया इन्होंने इसका रीजन बताया कि ये जो पिचानवे परसेंट लोग हैं ना ये इंप्लॉई है ये इंप्लॉई है सेल्फ एम्प्लॉ है चाहे ये गवर्नमेंट जॉब करें चाहे प्राइवेट जॉब करें या छोटा मोटा खुद का धंधा करें ये इंप्लॉई है जैसे क्या करते हैं ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और ये इनका ज्यादा पैसा का मतलब है ज्यादा काम करना ये कई आठ घंटे की जगह बारह घंटे ड्यूटी करते हैं सोलह सोलह घंटे काम करते हैं ये लगातार लगातार मेहनत करते हैं फिर भी इनके पास ज्यादा ना तो पैसा होता है और ना ही इनके पास टाइम होता है लेकिन इसके उलट उधर देखेंगे आप पांच परसेंट लोगों में चलेंगे हम तो वहां है बिग बिजनेसमैन बड़े बड़े व्यापारी हैं इन्वेस्टर है तो आप इसमें देखोगे इनके पास क्या बड़ी बड़ी टीम होती है ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती है इनके पास ज्यादा लोग होते हैं काम करने वाले उनके साथ में मिलके ये काम करते हैं और बहुत बड़ा एंपायर खड़ा करते हैं तो एक दिन क्या होता है इनके लिए उनका काम लगातार काम करता लोग काम करते हैं और इनके पास दुनिया की पिचानवे परसेंट दौलत इकट्ठा होना शुरू हो जाती है बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं ये क्या है ये खुद काम ना करके ये पैसों को काम पर लगाते हैं तो पैसा है इनके लिए काम करता है तो आपके पास एक मौका है सर दो चॉइस है सर या तो आप पांच परसेंट लोग पिचानवे परसेंट लोगों में रहके पांच परसेंट दौलत के मालिक रहो या फिर ऑप्शन है पांच परसेंट लोगों में आके और अपनी जिंदगी को बदल सकते हो कौन सा बढ़िया रहेगा सर पांच परसेंट में पहुंच जाऊंगा और पचानबे परसेंट दौलत कमाना चाहूंगा सर चाहोगे बिल्कुल तो बहुत बधाई हो दुनिया का बेहतरीन बिजनेस सेप सोप आपके पास है और बस इस बिजनेस को पांच से दस साल के बीच में करते करते पता ही नहीं चलेगा कब आप इस श्रेणी में आ जाओगे तो बधाई हो आपको बहुत शानदार बिजनेस में आप आ चुके हो आज आप देखोगे आपके बीच में है देखो फाइनेंशियल फ्रीडम यंग रिच और रिटायर आपके बीच में है वहागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर हैं इंडियन आर्मी में जॉब करते थे जॉब के साथ साथ आज इनको आपके सामने है देखो फौजसी इंडिया के अंदर भी इनका फोटो आया आर्टिकल आया है और चार चार लाख रुपए पर वीक कमाने के साथ साथ यहां से आप देख रहे हो रिच भी है यंग भी है रिटायर्ड भी है।, है कि नहीं है यस yes. ऐसे ही आप देखोगे अजय कुमार पंडित सर है आपके बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाऊं तो ढेर सारे लोग हैं लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा था इसलिए मैंने आपको दिखाया कि ये भी बीटेक के स्टूडेंट थे पढ़ते पढ़ते यहाँ से रिटायर हो गए तो बहुत बड़ा काम है ना यस yes. yes, तो yes, आप भी चाहते हो यंग रिच और रिटायर चाहते हो कि नहीं चाहते यस yes, सर तो बहुत बहुत बधाई हो आपको ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है सेफ सोप अगला रीजन चलते हैं हम देखो फैमिली सिक्योरिटी की तरफ परिवार की सुरक्षा बहुत जरूरी है हम लोग परिवार की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं कहीं ना कहीं क्या करते हो आप एल सर सी बीमा जो आपने प्रीमियम जमा करवाया उसके हिसाब से ऐसा तो, तो है नहीं कि हर साल करोड़ों दे देगा या लाखों आप ऐसे बिजनेस में हो सर जहां से अपनी फैमिली की सिक्योरिटी डन है अगर आपने एक बार टीम खड़ी कर दी बाय चांस भगवान ना करे कुछ भी हो लेकिन ऐसा अगर किसी के साथ भी होता है जैसे आप देख रहे हो स्वर्गीय श्री अवधेश कुमार यादव जी इस बिजनेस को कर रहे थे और करते करते अचानक से इनको एक दिन करंट लग जाता हाई वोल्टेज और ये 2018 में इनका अठारह हो जाता है, लेकिन फिर भी आप देखोगे इनके बच्चों को छोटे छोटे बच्चे हैं इनका वही मान सम्मान हुआ है पूरा जो एक डायमंड सेलिब्रेशन का में होता है और आप देखोगे इनके बच्चों को आज लाखों रुपए महीने की इनकम हर महीने हर वीक इनके घर में जा रही है तो मुझे बताओ इससे बड़ी कोई फैमिली सिक्योरिटी या परिवार की सुरक्षा हो सकती है क्या नहीं सर तो इसलिए इस बिजनेस को शुरू करना चाहिए क्योंकि मैं विश्वास सर मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो फैमिली अनसिक्योरिटी है ना मैंने खुद ने झेली है मैं दस साल का था तब मेरे पिताजी चले गए थे और मैं एक एक पैसे पैसे को तरसता था उस टाइम लेकिन आज मैंने वो काम कर दिया कि भगवान अगर कुछ भी कर भी देना तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैंने ऐसी फैमिली सिक्योरिटी जनरेट कर दिए भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो लेकिन फिर भी अगर हो जाता ऊपर वाले की देखो जो मर्जी है वो कर देता है लेकिन हमारे बच्चों के लिए कोई टेंशन नहीं रहेगी तो ऐसा बिजनेस अपने बीच में है। तो फैमिली सिक्योरिटी के लिए बिजनेस करना चाहिए विश्वास सर यस yes, सर बिल्कुल तो करना चाहिए तो सर बहुत बड़ा रीजन है हमारे पास बिजनेस को करने का अब दूसरों की मदद करने का बिजनेस है देखो अपना घर भरकर इतनी खुशी नहीं मिलती मिलेगी जितनी खुशी किसी की मदद करके मिलेगी बहुत सारे लोग एहसान करते हैं लेकिन एहसान नहीं मदद कीजिए ऐसा बिजनेस है हमारे पास लोगों की मदद करने का बिजनेस है आप किसी को इस बिजनेस में ला रहे हो ना वही सबसे बड़ी मदद है और मुझे बताओ आठ लाख रुपए महीने कमाओगे तो कही कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद तो कर ही सकते हैं यस सर कर सकते तभी तो कर सकते हैं जब हमारे पास हो और अभी हम बोले कि किसी की मदद करे हमारी खुद की मदद कोई कर दे लेकिन अगर आठ लाख कमाओगे तो किसी की मदद भी कर सकते हो दूसरी बड़ी चीज है आपके माध्यम से जितने भी लोग इस बिजनेस में आएंगे और वो आदमी अगर आठ लाख रुपए महीने तक पहुंचेगा तो मुझे बताओ इससे बड़ी कोई मदद होगी नौ no, सर कोई नहीं हो सकती जिस दिन मुझे बताओ जिस दिन आप आठ लाख रुपए महीने पे पहुंचोगे तो आपको कितनी खुशी होगी सोच के देखो जिसने yes, आपको ज्वाइन कराया जिसने आपको ज्वाइन कराया उसको धन्यवाद दोगे कि नहीं दोगे यस यस सर सर बिल्कुल धन्यवाद बताओ कितना बड़ा बिजनेस बिजनेस है लोगों की मदद करने का है। तो कर सकते हैं ना अब मैं आपके सामने देखो तेईस जनवरी दो हजार उन्नीस से मैंने शुरू किया था चेक गणराज्य प्रोग वियना ब्रास्टिविलिया स्लोवाकिया हंगरी बुडापेस्ट फिनलैंड रशिया मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग तेहरान थाईलैंड बैंकॉक पटाया स्पेन बार्सिलोना और अभी ढेर सारे टारगेट मेरे पास पेंडिंग पड़े हैं पेरिस स्विट्जरलैंड यूएसए लंदन इटली एम्स्टर्डम ग्रीस लंदन फिर से हो गया तो ये ढेर सारी विदेश यात्रा मेरी यहाँ से आप देख सकते हो जैसे मैं घूम के आया हूँ आप भी घूमना चाहते yes, हो यस सर चाहते हो ना बिल्कुल सर भरोसा करना विश्वास सर गारंटी के साथ आप भी यहां से घूम के आओगे क्यों क्योंकि हमारी संस्था हर तीन महीने पे यहां से टारगेट निकालती है और इंडिया में भी घूमने का हमें मौका मिलता है साथ साथ में हमें विदेश घूमने का भी यहां से एक शानदार मौका मिलता है तो देखो सेप सोप, एक साल में चार बार प्रत्येक तीन महीने में देश विदेश की यात्रा करने का टारगेट और बेहतरीन इनाम जीतने का शानदार मौका देती है हमें और हमारे पास मौका है अगर आप गोवा का टारगेट या इंडिया में कहीं भी घूमना चाहते हो जो भी हमारी संस्था निकालती है वहां तीस तीस अगर पेर दोनों तरफ करते हो साठ सेल में आप इंडिया घूम सकते हो थर्टी नाइन थर्टी नाइन सेल पे क्या आप थाईलैंड घूम सकते हो अभी देखो दुबई का भी टारगेट आज क्लोज हो रहा है दुबई अबू धाबी भी साठ साठ सेल पे हम घूम सकते हैं इंग्लैंड का नाइनटी नाइनटी सेल पे आप क्योंकि अभी आप फ्रेशर लेवल पे हो अभी आपको ये मौका मिला है तो विश्वास सर घूमना चाहिए ये yes, सर तो बहुत बहुत बधाई हो आपको देखो विदेश घूमने का भी फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी टोटल खर्चा आपका कोई खर्चा नहीं होगा फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने का मौका मिलेगा तो ये शानदार मौका है अब ड्रीम हाउस और सपनों की घर गाड़ी की बात करें तो आपको एक सपनों की गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए यस yes, सर चाहिए ना तो देखो आपके सामने हैं देखो हमारे ग्रेट मेंटर हैं पंकज सर हैं जो से जगवार मेंटेन करते हैं यहाँ से देखो मिस्टर बत्तूराम मीणा जी हैं जो रेंज रोवर मेंटेन करते हैं और मैंने भी एक छोटी सी कार 2017 में मैंने सत्रह से अचीव की थी क्रेटा कार मैंने यहाँ से ली थी इसी बिजनेस की वजह से साढ़े सोलह लाख की नहीं तो कभी जिंदगी में सोचा नहीं था और ढेर सारी कार आज आप देखोगे कि सर लोग सीखने के लिए कैसी कार लेते हैं मुझे बताओ दुनिया में सीखने के लिए कैसी कार लेते हैं बस बस्टो लेते हैं सर हाँ। पुराना, पुराना कार लेते हैं पुराना कार लेते हैं लेकिन अभी आप देखोगे सुधीर जी ये क्या कर रहे हैं ये 22 लाख की जीप कम्पास गाड़ी तो सीखने के लिए ली है यानी इनको चलाना नहीं आता था और कार लेके आ गए इसी कार से इन्होंने सीखा है सोच के देखो कितना बड़ा ड्रीम सपनों की गाड़ी यहां से आ रही है आपकी और भरोसा करना विश्वास जैसे हमारे जैसे इन ढेर सारे लोगों की गाड़ियां आई ना वैसे आपकी भी बहुत शानदार वाली गाड़ी यहां से आने वाली है तो तैयार हो दमदारी से भी काम कर बिल्कुल बहुत बढ़िया ये देखो बहुत सारे लोग हैं मैंने कुछ फोटो लगाए थे तो बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से कार अचीव करते हैं लोग तो बहुत बहुत बधाई हो ये राजू राम जी है श्रवण जी है इन ढेर सारे लोग हैं मतलब मैं सबका नाम नहीं ले सकता मैं आज आपको बताऊं सर सैकड़ों से ज्यादा गाड़ियां मेरी टीम में आ चुकी है जो दस लाख से ऊपर की है यानी नॉर्मल आदमी क्या है दस लाख से ऊपर की गाड़ी की सोचता नहीं है और हमारे यहाँ क्या होता है दस लाख से तो शुरुआत होती है कितना बढ़िया बिजनेस है बहुत बढ़िया सर और घर की बात करूं विश्वास सर मैं अजमेर सिटी में काम कर रहा था नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को किया लेकिन 2019 में मैंने 17 जनवरी को नौकरी को रिजाइन कर दिया उसके बाद मैं काम कर रहा था और 2020 में आपको पता कोरोना चल रहा था सर और कोरोना सर। के दौरान मैंने सर 14 अक्टूबर 2020 को लगभग डेढ़ करोड़ का मकान मैंने यहां से परचेज किया अजमेर की सबसे महंगी कॉलोनी है फंसिल के अंदर नगर में डबल स्टोरी मकान परचेज किया मुझे बताओ विश्वास सर मैं नौकरी में होता डेढ़ करोड़ का मकान ले लेता क्या सोच भी नहीं सकता था सर सोच भी नहीं सकते थे रेलवे का क्वार्टर था सर और डेली उसमें चूना चढ़ता था उसमें मेरी लाइफ कट रही थी लेकिन इस बिजनेस का पावर है कि आज मैं इस शानदार डबल स्टोरी मकान के अंदर में रह रहा हूं सर और विश्वास मानना विश्वास सर मैंने क्या किया मैंने सिर्फ यह मकान लिया है कुछ दिन रहने के लिए अभी ड्रीम हाउस बाकी है मेरा क्योंकि मैंने क्या बोला सपनों का घर सपनों का घर सर सेप सोप से ही पूरा हो सकता है अदरवाइज किसी से नहीं हो सकता जी चाहिए, करना चाहिए बिजनेस करना चाहिए ना Yes, दमदार करेंगे सर बिल्कुल तो अब आपके पास एक और मैं रीजन बता देता हूँ कारण बताए करना है खर्चे बहुत रहते हैं। और इनकम बहुत कम रहती है तो हम क्या कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीते हैं हम ये करते हैं यार ये मतला हो ये मतला हो ऐसे कर करके कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीते हैं क्या कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हैं हम नहीं ना नो सर बढ़िया लाइफ भी जी सकते हैं क्योंकि yes. हमारे पास सेप्स ऑफ आ चुकी है मैं आपको थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताना चाहूंगा कि एक सर्वे के अनुसार 1940 में पूरे परिवार का खर्चा जिसमें हस्बैंड वाइफ माँ बाप और दो बच्चे ऐसे करके छह आदमी का परिवार का नॉर्मल खर्चा दस रुपए में सिटी में चलता था यह हमने नहीं देखा एक सर्वे बता रहा है बीस साल बाद उन्नीस में ये सौ रुपया हो गया फिर बीस साल बाद में उन्नीस में हजार रुपया हो गया लेकिन सन दो में तो हमने भी देखा है क्योंकि हम भी समझदार हो गए थे दस हजार रुपया लगने लग गया था सिटी में और 2020 की बात करें तो अभी वर्तमान में कितना लग रहा है सर एक लाख रुपया तो सार, सार। सारी सुविधाएं हम नहीं दे पा रहे एक लाख रुपया महीना कमा के भी तो दो में क्या होगा सर दस लाख हो जाएंगे सर तो दस लाख क्या आपकी नौकरी से इनकम होगी दो हजार चालीस में कभी नहीं होगा सर कभी नहीं होगा ना लेकिन अगर शेप सोप से काम किया तो गारंटी के साथ दस लाख नहीं सर यहां से आप महीने का बावन लाख रुपया भी कमा सकते हो इतना पावर देती है हमारी संस्था तो मुझे बताओ सर देखो सीधा सिंपल बावन लाख भी नहीं ना तो एक आईडी पे एक ग्रुप पे आप क्या कर सकते हो आठ लाख रुपए फर्स्ट परचेज में और आठ लाख रुपए रीपर्चेज में सोलह लाख रुपए कमाओगे तो आपको खर्चे की टेंशन होगी कोई टेंशन नहीं रहेगा कोई टेंशन नहीं होगी ना तो मुझे ना, बताओ इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए कि नहीं यस सर पक्का करना चाहिए बिल्कुल सर तो इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए मैं आपको ये रीजन बता रहा हूँ आपके सामने देखो एक समान आय और गुणात्मक आय अभी मैंने एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में बात की थी लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि आप जॉब कर रहे हो सर जॉब कर रहे हो ये देखो ब्लू के अंदर जॉब है ये काम है आपका आठ घंटे पर डे तीस दिन कर रहे हो एक साल तक यही जॉब करना पांच साल तक यही जॉब करना ये आपको रेड के अंदर इनकम मिल रही होगी ये इनकम दिख रही है आपको ये दाम ये हमेशा सेम जितना काम उतना दाम आप देख रहे हो लगातार लगातार आप पांच साल दस साल बीस साल तीस साल चालीस साल तक आप नौकरी करोगे ना सर उतना ही पैसा मिलेगा थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो महंगाई कई गुना पहले ही बढ़ चुकी होगी जी सर यानी आप यहां से आपको ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है आप जितना काम करोगे उतना ही दाम आपको मिलेगा दूसरा है आपके पास गुणात्मक आय का, का। यानी आप देखोगे कि यहां से शुरू के छह महीने में काम बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन अगले एक वर्ष में आपका काम कम हो जाएगा पैसा बढ़ जाएगा दो वर्ष में काम और कम हो जाएगा दाम बढ़ जाएगा तीसरे वर्ष में काम और कम हो जाएगा दाम और बढ़ता जाएगा चार वर्ष में काम इतना सा रह जाएगा और लगातार पैसा नेटवर्क मार्केटिंग एक बार काम जिंदगी भर बरदाम तो कैसा रहेगा सर बहुत बढ़िया रहेगा सर बढ़िया रहेगा मजा आएगा लाइफ का यस तो उसके लिए काम करना है सर कर सकते हो यस सर अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मान लो ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जैसे अपने सामने विमल ग्रासिम के सूट लेंथ है ग्राडो का सूट लेंथ है जिनका एड अमिताभ बच्चन साहब भी करते हैं ये अगर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहां से निकल के ये जाता सी एंड एजेंट के पास जाता है वहां से डिस्ट्रीब्यूटर के पास फिर होलसेलर के पास फिर रिटेलर के पास फिर कस्टमर के पास पहुँचता है और बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं ऐसे करके यही एक चीज जो तीस में तीस में निकलने वाला सूट लेंथ वो हमारे पास कस्टमर के पास सौ परसेंट में पड़ता है यानी साठ परसेंट लोग साठ परसेंट पैसा इन लोगों के बीच में बढ़ जाता है और वही काम आप डायरेक्ट सेलिंग में देखोगे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हमने विमल या ग्रासिम का जो भी का सूट लेन लिया वो डायरेक्ट सेब के पास आया से सीधा कस्टमर तक तो ये साठ परसेंट पैसा है ना ये साठ परसेंट पैसा हमारी टीम में और हमारे पास आता है यानी समझ में आ गया पैसा कहां से आता है जी सर जी सर यानी यही पैसा मार्केट में ना बटके ये पैसा हमारे बीच में आता है इसलिए डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए समझ में आ गया सर? सर? और अभी थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा डिटेल से एक लेवल के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे अपन सिल्वर और प्लेटिनम का लेवल होता है सर इस बिजनेस में क्या शुरू में दो तक की टीम होती है ना 50 की टीम तक आदमी सिल्वर बनता है और उससे ऊपर जो न, डेढ़ सौ की टीम पे प्लेटिनम बनता है और दो तक वो प्लेटिनम बनता है तो यहां तक क्या होता है सर इस लेवल को हम दलदल बोलते हैं जैसे दलदल देखा होगा आपने जी, जी, सर। में देखा होगा कि दलदल में आदमी जितना हाथ पांव चलाता उतना ही अंदर चला जाता है जी सर लेकिन अगर वही उ, उसको कोई रस्सी फेंक दे तो रस्सी को पकड़ के बाहर निकल सकता है ना यस सर इस बिजनेस में भी यही होता है सर इस बिजनेस में आदमी आता तो है लेकिन क्या होता है वो अपना दिमाग लगाता है और अपना दिमाग लगाता है तो इस बिजनेस में वो दल दल में फंसता फंसता और नीचे चला जाता है मुझे बताओ सर अगर मेरे अंदर दिमाग होता तो आठ लाख पहले नहीं कमा रहा होता इस बिजनेस से पहले जी सर पहले भी कमा सकता था लेकिन ये। इस सिस्टम का पावर है सिस्टम का नॉलेज है उसके दम पे हम आठ लाख रुपए महीना कमाते हैं तो यहां अगर कोई भी आदमी जो यहां पे आता है वो अपना दिमाग ना लगा के और सेप सोप के जो सिस्टम है ट्रिपल सिस्टम हमारे पास है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की रस्सी को अगर पकड़ ले तो वो इस दलदल से बाहर आ सकता है यहां से अगर आप प्लेटिनम लेवल तक काम करोगे तो महीने का एक टोटल एवरेज सिल्वर बनते बनते आप 25 से तीस हजार कमाओगे और दो तक की टीम तक आप एक सवा लाख रुपए के बीच में कमा चुके होंगे लेकिन जैसे आप गोल्ड लेवल पे आते हो आपकी टीम 250 पार कर जाती है आप दलदल से निकल के बाहर आ चुके होंगे और बाहर आके आप अब अब इस लेवल को हम बोलते हैं गोल्ड लेवल को कीचड़ का लेवल बोल सकते हैं तो दलदल में तो चलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है लेकिन कीचड़ में चल तो सकते हैं जी सर तो यहां अपन चलते हैं तो ढाई की टीम को लेके और चार तक की टीम को हम बोलते हैं यहां से कीचड़ का लेवल यहां पे क्या है धीरे धीरे चलता आदमी लेकिन कंटिन्यू अगर वो चलता रहता है तो धीरे धीरे उसकी इनकम भी लगभग दो लाख रुपए तक टोटल पहुंच चुकी होगी फिर उसके बाद हम अगले लेवल पे आते हैं पर्ल और कोरल लेवल 500 से ऊपर की टीम 500 से लेकर बारह तक की टीम को हम पर्ल और कोरल का लेवल बोलते हैं हम मिट्टी में आ चुके होते हैं वहां दलदल और कीचड़ से चलना आसान होता है मिट्टी में चलना यस yes, सर तो आसान हो जाता है आपका बिजनेस यहां आसान हो जाता है यहां आप आराम आराम से चलना शुरू कर देते हो और यहां आपकी महीने की इनकम थोड़ा सा अगर एफर्ट लगा के काम किया तो 40 से पचास हजार रुपये महीना इनकम आपकी यहां शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके आप अगले लेवल पे आ जाते हो जैसे आपकी टीम 1250 पार करके और चौबीस के बीच में रहती है तो इसको हम टोपाज लेवल बोलते हैं और टोपाज लेवल एक तरह से बोलते हैं हम जैसे मिट्टी के आगे कच्ची सड़कों जैसे कच्ची सड़क होती है तो कच्ची सड़क पे हम मिट्टी से भी आसानी से चल सकते हैं जी सर। तो ऐसे यहां से अपन चलेंगे तो धीरे धीरे करके आप देखोगे कि इस लेवल पे महीने के आप पचास साठ हजार से लेके बढ़ते बढ़ते एक से दो लाख रुपए महीने तक की आपकी इनकम हो जाएगी यहां से और धीरे धीरे आप मुझे बताओ एक से दो लाख रुपए महीने की इनकम होगी तो लाइफ कैसी होगी सर बहुत बढ़िया सर नौकरी से बढ़िया होगी कि नहीं होगी यस yes, यस yes, नौकरी से बढ़िया ऐसे ही धीरे धीरे आप देखोगे कि जैसे आपकी ढाई हजार लोगों से टीम बढ़ती बढ़ती और चार हजार नौ सौ नन्यानबे तक की टीम को हम बोलते हैं एमरेड लेवल और एमरेड लेवल पे आप आ चुके होगे पक्की सड़क पे तो पक्की सड़क पे तो चलना आसान हो जाएगा यस yes, सर बिल्कुल बढ़िया से दौड़ लगा सकते हो ना इस पे बिल्कुल सर तो यहाँ पे आपका बिजनेस भी दौड़ना शुरू हो जाता है और दो से चार लाख रुपए महीने की इनकम यहाँ से आ चुकी होती है लगातार हर महीने और आप टोटल 11 से 12 लाख रुपए महीने कमा चुके होंगे धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी अगला लेवल आता है रूबी और ओपल पांच हजार से लेकर नौ हजार नौ सौ निन्यानवे तक के लेवल को हम बोलते हैं रूबी ओपल तो ये दो लेवल आप यहां से बीच में अचीव करते हो और यहां आप आ जाते हो सर पक्की रोड से भी हाईवे पे क्योंकि पक्की रोड पे ब्रेकर भी आ जाते हैं बीच बीच में जी जी सर लेकिन हाईवे पे ब्रेकर नहीं मिलते ना ना तो यहाँ से आपकी गाड़ी हाईवे पे चढ़ जाती है और यहाँ से आपका बिजनेस दौड़ना शुरू कर देता है आप बढ़िया से फर्राटेदार और आपकी इनकम चार से छह लाख रुपए महीने तक पहुँच जाती है टोटल आप लाखों रुपए में पहुंच जाते हो और जैसे आप डायमंड बनते हो तो आप तो एरोप्लेन में बैठ जाते हो तो एरोप्लेन में तो कोई रोकने वाला भी नहीं है जी सर तो यहां से आप आठ लाख रुपए महीना और टोटल पचास लाख कमा चुके होंगे और मैं आपको बता दूं कि सर पचास लाख सिर्फ सिर्फ मैचिंग इनकम है आपको एक्स्ट्रा और भी कई बेनिफिट मिलने वाले वो एक्स्ट्रा है मैं खाली मैचिंग इनकम की बात कर रहा हूं तो सोच के देखो सर चार साल में ये इतनी इनकम आ जाए और आपका काम बिल्कुल कम हो जाए इतना सा काम हो जाए और इनकम इतनी बड़ी हो तो कैसा रहेगा बहुत बढ़िया रहेगा सर मजा आएगा लाइफ का यस सर तो इसलिए इस बिजनेस को करना इस तरीके से आपके लेवल आएंगे शुरू में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और पैसा कम मिलेगा तो डटे रहना सर ज्यादातर लोग क्या करते हैं सर मेहनत ज्यादा दिखती है और पैसा कम दिखता तो वो सोचते पता नहीं यहां से होगा कि नहीं होगा लेकिन मैं आपको बताऊं सर शुरू में यहां इस बिजनेस में मेहनत ज्यादा लगती है पैसा कम आता है लेकिन अगर बाद में ज्यादा पैसा चाहिए तो तीन से चार साल इस बिजनेस में मेहनत कर जाओ तो कर सकते हो विश्वास सर करेंगे बिल्कुल तो बहुत बहुत बधाई हो आपको आप ऐसे शानदार बिजनेस में हो जहां से आप अगले तीन से चार साल में डायमंड लेवल अचीव करोगे और आठ लाख रुपए महीने तक पहुंच जाओगे और उसके बाद में काम आपका जीरो रहेगा इनकम आठ लाख रुपए महीना रहेगी तो कैसा रहेगा बहुत बढ़िया रहेगा सर अब देखो दो ऑप्शन है या तो पूरी जिंदगी मेहनत कर लो और फिर भी पैसा नहीं है या फिर चार साल मेहनत कर लो और आठ लाख रुपए महीना है कौन सा बढ़िया रहेगा लाख वाला बढ़िया रहेगा सर इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए टीम वर्क से देखो पैसा कमाए आप आप देखोगे आप यहाँ से क्यूएससी का प्रमोट करना है जैसे मैं आपको बताऊं सर जैसे आपने बिजनेस को शुरू किया ऐसे ही आप 200 बिजनेस वॉल्यूम से किसी को भी आप बिजनेस की शुरुआत करवाते हैं तो क्या होगा एक परचेजिंग पे आपको सीधा सीधा पाँच सौ का कमीशन मिलेगा ऐसे ही आपने दूसरे आदमी को भी 200 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट दिलवाया इन्होंने भी परचेजिंग करी सीधा सीधा पाँच सौ का यहाँ से आपको इनकम अच्छी होगी और सबसे बड़ी बात है हमारी संस्था जोड़े में पेमेंट करती है पैर में और पेमेंट पैर में होगा तो आपका एक हजार का चेक रेडी है और वो भी पेमेंट कैसे है आपको मैं बताऊं शुरू के दो आपकी जो परचेजिंग है उस दो परचेजिंग पे आपको 200 200 दो सौ एक्स्ट्रा भी मिलेगा कंपनी की तरफ से बोनस इनकम है ये और ऐसे करके आपका एक चेक होगा ना वो चौदह सौ रुपए का चेक होगा और चेक है ना वीकली है यहाँ कोई महीने का हिसाब नहीं है मुझे बताओ सर तनख्वाह महीने में मिलती है सप्ताह में मिलती है महीना में महीने में मिलती है लेकिन सोप आपको आपकी काम की तनखा सप्ताह में देती है वीकली देती है और वो भी टीडीएस कटने के बाद गवर्नमेंट का एक नंबर का पैसा आएगा गवर्नमेंट का टीडीएस कट जाएगा उसके बाद एक नंबर की इनकम आएगी तो एक नंबर की इनकम आएगी तो बढ़िया रहेगा यस yes, सर बहुत बढ़िया तो, रहेगा अब मान लो दो आदमी आपने परचेजिंग करवा दिए मान लो तीसरा आदमी भी आपका जानकार है वो भी आपने बिजनेस को उसको शेयर किया और वो भी करना चाहता आप क्या करोगे लाओगे कि नहीं लाओगे लाएंगे ना सर लाएंगे लाएंगे तो उसका भी फायदा है लेकिन आपका बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि इस आदमी के ऊपर इसकी परचेजिंग ऊपर आपको पांच का नौ गुणा मिलेगा चार हजार पांच सौ रुपए का चेक होगा और अगर ये आप काम पूरा एक वीक में करते हो तो चौदह सौ रुपए की तो वो इनकम और चार हजार पांच सौ यह इनकम तो आपका पहले ही वीक का चेक बनेगा पांच हजार नौ सौ रुपए का तो कैसा रहेगा सर बहुत बढ़िया रहेगा सर मजा आएगा यस तो शुरुआत शुरुआत में अब देखो मात्र तीन डायरेक्ट सेल आपने दो सौ से करवाई तो आपने पहला लेवल क्यूएससी प्राप्त किया आपने बधाई हो आप यहां से क्यूएससी बन सकते हो और QAC का मतलब है सर यहाँ पे मनी भी मिलेगा पैसा आएगा आपका चेक आएगा आपको मंच मिलेगा बोलने के लिए माला आपको पहनाई जाएगी सम्मान के लिए और माइक मिलेगा तो कैसा रहेगा सर बहुत बढ़िया रहेगा सर मजा आएगा लाइफ का यस तरीके से आप QAC अचीव कर सकते हो और QAC अचीव कराने में हम लोग आपके साथ हैं आपको अभी कुछ नहीं करना हम जो बता रहे हैं वो काम करना है आगे चलते हैं ये देखो आपके सामने है ढेर सारे लोग हैं यहीं से शुरुआत की थी क्यूएससी से और यहां से शुरू करके आज आप देखोगे इतने सारे लोग हैं जो आज यहाँ से में हैं। जब ये लोग कर सकते हैं तो आप भी तो कर सकते हो विश्वास सर सर यस का करना चाहिए ना यस yes. टीम वर्क आपको वह हासिल करने में मदद कर सकता है जो आप खुद नहीं कर सकते अकेला आदमी वो हासिल नहीं कर सकता लेकिन एक टीम वर्क होता है ना उसमें वो सब हासिल कर सकते हैं तो टीम वर्क के साथ हमें काम करना है अब सोप को कैसे करना है पहली चीज देखो जितना अधिक आप सीखते हो ना उतना अधिक आप कमाते हो द द मोर मोर यू यू लर्न अर्न यानी आप जितना कमाते हो ना वो उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा सीखना क्या है आपके सामने है देखो सर प्रगति सूत्र बुक है प्रगति सूत्र बुक है आपको मैं अभी टूल्स के माध्यम से दे रहा हूं मैं प्लान फोल्डर और बुक और शुभारंभ में आपको ये चीज दे रहा हूं तो आपको इस बुक को लगातार डेली ज्यादा भी नहीं तो आधा घंटा इसको बुक को पढ़ना है पढ़ सकते हो विश्वास सर यस सर पढ़ देखो आपने पहले बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी लेकिन उन उन किताबों से आप हजारों तक पहुंचे हो लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं मैं गारंटी देता हूं इस किताब को आप दस बार पढ़ोगे ना तो गारंटी के साथ आप आठ लाख रुपए महीने तक जा सकते हो तो जब एक किताब पढ़ने से आठ लाख तक जा सकते हैं तो पढ़नी चाहिए किताब यस सर पढ़ पढ़ लोगे आपको ये आपकी प्रगति सूत्र बुक है या टूल्स आपके इनको आपको काम में लेना है पहले इस बुक को पढ़ना है और कोई भी काम आपको देखो अभी आपको जैसे मैंने बिजनेस की जानकारी दी है वैसे आपको अभी नहीं देनी है अभी जानकारी हम लोग देंगे क्योंकि अभी आपको इसका नॉलेज नहीं है लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है हम किसी को जानकारी दे रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है ये कैसे कैसे दे रहे हैं जिससे कि आप भी सीख जाओ क्योंकि आप सीख जाओगे तो कल को आपको भी तो लोगों को बताना है यस yes, सर तो इसलिए मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ जैसे जैसे मैं प्लान दिखाता हूं बिजनेस प्लान शो करता हूं लोगों को वैसे आप सीखते जाओगे और मुझे भरोसा है आठ से दस प्लान में आप गारंटी से प्लान देना सीख जाओगे और मैं जो भी लोगों से सवालों के जवाब दूंगा ना वो आप ध्यान रखें मैं किस सवाल का क्या जवाब देता हूं वो भी आपको सीखना है सीख yes, जाओगे yes, और जो भी आईडी बनेगी जो भी सेल आएगी आपकी मैं आपके हाथों से आईडी बनवा दूंगा तो आप वैसे सीख जाओगे जी सर तो आपको क्यूएससी होते होते मैं आपको कोर भी बनाने का कोशिश करूंगा जिससे कि आप सारी चीजें सीख जाओ तो अभी मैं आपको बताऊं सर कोई भी काम बिना अपने अप्लायंस से या सीनियर से पूछे बगैर मत करना जिसने आपको इस बिजनेस की शुरुआत करवाई है या जो एफ आई एम हम मैं आपको कर रहा हूं तो कोई भी काम करने से पहले हमें एक बार पूछना जरूर है क्योंकि बिना पूछे करोगे तो कहीं ना कहीं आपका लॉस हो सकता है यस yes, सर और हम नहीं चाहते कि आपका कोई लॉस हो चाहते हैं आपका फायदा ज्यादा से ज्यादा हो इसलिए कोई भी काम बिना पूछे मत करना ठीक है जी सर कोई भी नेगेटिव बात अगर आपके पास आए आपके विचार में आए हो सकता मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको इस बिजनेस के बारे में बहुत सारे उल्टी सीधी बातें भी बोलेंगे नेगेटिव बातें भी बोलेंगे क्योंकि उनको पता नहीं है उनको पता नहीं है बेचारे वो भी गलत नहीं है उनको पता नहीं है इसलिए वो कोई ना कोई बात सुनी सुनाई बातें बोल देते तो आपके पास अगर कोई भी नेगेटिव बात आए तो आप हम लोगों से डायरेक्ट बात करें ठीक है सर जी सर और मीटिंग <clears> ट्रेनिंग <throat> में आपको बताऊं इस बिजनेस में सबसे अगर बड़ा रोल है सफल होने का तो वो है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का उसकी मीटिंग उसकी ट्रेनिंग उसकी जो भी चीजें हैं उनको हम यूज करके बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं तो कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग है उसको छोड़े नहीं और सिस्टम के टूल्स बुक वीडियो इनका यूज करें इनको पढ़ना शुरू कर दें वीडियो देखना शुरू कर दें, के आप देखोगे ढेर सारे वीडियो हजारों वीडियो आप उनको देख देख के यहाँ से यहाँ से अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं तो ट्रेनिंग मीटिंग में आ सकते हो बधाई हो आप देखो यहाँ से आपकी एफ हो चुकी है तो एफ के दौरान आपको मैं आप बता रहा हूं कि एफ के बाद आप सिस्टम की ट्रेनिंग मीटिंग के लिए क्वालिफाई कर चुके हो उसमें भी क्वालिफाई आप कर चुके हो नहीं तो क्वालिफाई नहीं होता आदमी एफ के बाद ही क्वालिफाई होता है तो आप मीटिंग ट्रेनिंग के लिए आपकी एक सीट रिजर्व है तो जो भी फ्राइडे को एक हमारी एक सिस्टम की ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में आपको दो घंटे निकाल के वहाँ आपको बैठने का मौका मिलेगा सीखने को वहाँ अपने सीनियर अप्लाइंट बहुत सारे दमदार दमदार ट्रेनर आते हैं वो हमें सिखाते हैं कि कैसे बिजनेस करना है तो उस मीटिंग को आपको अटेंड करना है बधाई हो आप उसके लिए क्वालिफाई हो चुके हो उसके बाद बात करें सिस्टम की बातों पे विश्वास रखना है सिस्टम का मतलब है देखो सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी आपका काम बचन, टाइम बचाने का और कम मेहनत में ज्यादा काम करवाने का काम है सिस्टम का तो सिस्टम की बातों को अपनाना है अपने को और खुद पे आपको बस भरोसा रखना सबसे भरोसा खुद पे कोई लोग बोले कि आपसे नहीं होगा वहीं आप बोलना कि मैं करके दिखाऊंगा ठीक है सर यस yes, सर तो पहला कदम है अपना सपने देखना देखो मैं आपको बताऊं हमारे लेट श्री ए पीजे अब्दुल कलाम सर बोलते हैं इससे पहले कि सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे सपने देखेंगे नहीं तो सपने कैसे पूरे होंगे मैं आपको बता दूं इस दुनिया में क्या होता है सिक्सटी परसेंट सिक्सटी फोर परसेंट लोग ऐसे हैं जिनका कोई गोल ही नहीं होता कोई सपने ही नहीं होते और कुछ लोग होते हैं तैंतीस परसेंट लोग उनका फिक्स गोल नहीं होता है इसलिए वो भी ज़्यादा बड़ा अचीव नहीं कर पाते लेकिन तीन परसेंट लोग ऐसे होते हैं जिनके स्मार्ट होते हैं गोल स्मार्ट लक्ष्य होते हैं और वो उनको प्राप्त करते हैं और लाओ ऑफ अट्रैक्शन बोलता कि ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बनती है थॉट्स बिकम थिंग आप जो सोचते हैं ना वो आपके साथ होता है तो हमें क्या सोचना है हमें देखो हमारा गोल सेट करना है स्मार्ट तरीके से गोल स्मार्ट यानी स्पेसिफिक हो मेजरेबल हो अटेनेबल हो रिलेवेंट हो टाइम बेस्ड हो तो जैसे मैं आपको बताऊं आपको देखो सर गोल सेट करना है कैसे करने जैसे तीन से छ महीने के गोल आपकी डायरी में गोल बनाने तीन से छह महीने में आपको क्या चाहिए यहां से बढ़िया ड्रेस कोड आप का गोल बना सकते हो बढ़िया आपके पास मोबाइल सही नहीं है तो मोबाइल का गोल बना सकते हो लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप का गोल बना सकते हो घर में वॉशिंग मशीन का फ्रिज का एसी का ये तीन से छः महीने के गोल बना के अगर इनको अचीव करेंगे तो बढ़िया रहेगा सर yes, बहुत बढ़िया ऐसे ही आप एक और मिडिल टर्म के गोल बनाओ छह महीने से लेके दो साल के बीच के इसमें आप बाइक का गोल बना सकते हो मान लो आपकी बाइक पुरानी होगी तो नई बाइक का गोल बना सकते हो कार का छोटी कार का भी गोल बना सकते हो कि छोटी कार लेनी में मुझे आठ से दस लाख रुपए की और फैमिली के लिए ज्वेलरी का गोल भी बना सकते हो इंडिया के अंदर घूमने का प्लानिंग भी कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ तो ये छः महीने से लेके दो साल के गोल है और दो साल से लेके चार साल के लॉन्ग टर्म के गोल है उनके लिए हम गोल बना सकते हैं आप गोल बनाना लग्जरी कार कौन सी चाहिए बी एमडब्ल्यू ओ डी जगवार जो भी आपकी पसंद हो बढ़िया घर कहाँ आपको घर चाहिए कितना बड़ा घर चाहिए ये आप गोल बना सकते हो विदेशों में कौन कौन सी कंट्रियों में आपको घूमना है ये ढेर सारे लॉन्ग टर्म के गोल है ऐसे आप गोल बना सकते हो तो आप गोल बना लोगे

सर, yes, सर। yes, अब कच्चे माल की जरूरत होती है तो उसके लिए कच्चा माल सप्लाई होगा तभी तो पक्का बनेगा जी सर ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री में भी जब हमें लोगों को लाना है तो लोगों की लिस्ट तो बनानी होगी जी सर तो लोगों की लिस्ट बनानी है तो उस तरीके से हमें क्या सिस्टम अपलाय पे पूर्ण भरोसा और अपना दिमाग लगाना नहीं है एक अच्छी सी डायरी और पेन लेना है और उसमें हमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे होती है देखो लिस्ट बनाने के मैं तरीका बताऊं हॉट लिस्ट होता है हॉट लिस्ट में जैसे आपके एकदम क्लोज रिलेटिव हैं जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उनकी आप लिस्ट बना सकते हो अपने परिवार की लिस्ट उसमें ऐड कर सकते हो दूसरी चीज है वार्म लिस्ट जो आपके खास दोस्त हैं आसपास के रिश्तेदारों के रिश्तेदार हैं या दोस्तों के दोस्त हैं उनको आप में ले सकते हो उनकी लिस्ट बनानी है आपको और उसके साथ साथ कोल्ड लिस्ट जो आपके नॉर्मल संपर्क में जहाँ आप ड्यूटी करते हो या सोशल मीडिया पे हो कहीं भी आपके जो दोस्त हैं उनको भी आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो कर सकते हो यस सर पक्का तैयारी है तो ऐसे करके आपको तो दो सौ लोगों की लिस्ट बनानी है। पक्का बना सकते हो देखो लिस्ट बनाने का फॉर्मेट है कम से कम से लोगों की लिस्ट जरूर सीरियल नंबर, नेम, क्या काम करता है, कहां का रहने वाला है क्या इनकम उसकी मोबाइल नंबर ऐसे करके लिस्ट बनाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा काम होगा दो सौ लोगों की लिस्ट बनानी अभी बैठ के मैं आपसे बनवाऊंगा तैयार हो सर जी सर चलो बढ़िया देखो अभी फिर उसके बाद में लिस्ट बना के हम क्या करेंगे प्रोस्पेक्टिंग है इनविटेशन क्या करना क्या नहीं करना मोबाइल या मिलकर या सोशल मीडिया से आप इनवाइट कर सकते हो और कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल सिंपल तरीके से आपको इनवाइट करना है ऐसे नहीं कि उससे बहुत ज्यादा लंबी बात करनी है मुस्कान के साथ इन्वाइट करना है उसको फॉरम तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको इन्वाइट करना है और हमेशा एक या दो उनको चॉइस दो कि भाई आप 10 से 12 फ्री हो कल या आप दो से तीन या फ्री हो जो भी आपको टाइम सुटेबल हो वो टाइम का उनको चॉइस दें और फिर उसके बाद में वो अगर दूर हैं तो हम वीडियो कॉल का जो भी ऑप्शन है हमारे पास जूम है या गूगल मीट है जो भी है जिससे आप प्लान बिजनेस प्लान दिलवाना चाह रहे हो वो उनको आप डाउनलोड करवा के और जानकारी दे के और प्लान के लिए हमें चौबीस घंटे पहले ही हमें उसको इन्वाइट कर लेना है जिससे कि वो अपना टाइम निकाल के और हमारे साथ बैठ के वो इन्वाइट कर सके और क्या नहीं करना है अभी देखो आपको मैं आपको बताऊं कंपनी का नाम नहीं बताना क्या काम करते हैं कितना इन्वेस्टमेंट करना है कोई भीड़ में चर्चा नहीं करनी है क्यों क्योंकि कंपनी का नाम बताने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहां जब हम बिजनेस प्लान देंगे तो पूरा कंपनी का नाम भी बताएंगे क्या काम है कितना लगेगा सब कुछ बताएंगे क्योंकि बोलते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है तो हमें आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना पूरा हमें नॉलेज देना है सिस्टम का इसलिए ये चीजें हमें नहीं करनी है जल्दी बाजी अति आवश्यकता भी, भी नहीं दिखाएं और कोई बात अगर बोल भी देता सामने वाला प्रोस्पेक्ट तो बुरा भी नहीं मानना है। क्योंकि हम सेल्स के बिजनेस में इसलिए बुरा मानने का तो कोई मतलब नहीं है ठीक है जी सर और लास्ट में मैं आपको एक भी बात बोलूंगा सर लर्न टीच और डुप्लीकेट सीखो सिखाओ और डुप्लीकेट करो बस यही बिजनेस है और विश्वास मानिए विश्वास सर आप अपने खानदान के पहले करोड़पति बनने वाले यहां से पहले करोड़पति तो यहां से इस बिजनेस को सीखना है टीम को सिखाना है और यही काम टीम में डुप्लीकेट करवाना है। कर सकते हैं सर जी सर चलो बहुत बढ़िया विश्वास सर आपने पूरी एफ आई एम सुनी आपने और आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस बिजनेस को क्यों करें और कैसे करें जी सर समझ में आ गया सर जी सर अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो डायमंड का वीडियो दिखाऊंगा डायमंड का सेलिब्रेशन कैसा होता है और उसके बाद अपन लिस्ट बना के और इनवाइट करके कल से अगर आज टाइम मिला तो आज से नहीं तो कल से आपकी क्यूएससी करने का काम शुरू करवाते हैं ठीक है सर जी सर जी सर तो यार हो सर यस सर बहुत-बहुत तो बधाई बहुत हो विश्वास सर आपने आज की एफआई मीटिंग पूर्ण तरीके से आपने लिए है और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर क्योंकि इस एफ मीटिंग को लेने के बाद ही आदमी यहाँ से लाखों रुपए कमाने के प्रोसेस में आता है और सिस्टम का नॉलेज मिलता है और यहीं से आदमी सफल बनने की शुरुआत करता है तो बहुत बहुत बधाई विश्वास सर और थैंक यू सो मच आपने इतना टाइम दिया विश्वास सर और आने वाले टाइम पे हम मिल काम करेंगे और दमदारी से बस तीन से चार साल आप साथ छोड़ना मत किसी भी हालत में चाहे परिस्थिति कैसी भी रहे हम लोग मिलकर काम करेंगे जब मैं यहां तक पहुंच सकता हूं तो इतना भरोसा करना विश्वास सर मैं आपको भी यहां तक पहुंचा सकता हूं मैं आपका हाथ छोड़ूंगा नहीं कभी और मिलकर काम करेंगे दोनों ठीक है सर यस yes, सर ठीक है सर थैंक यू सर आपने टाइम दिया और दमदारी से मिलकर काम करेंगे अभी चलो मैं आपको डायमंड का वीडियो भी दिखा दूंगा और लिस्ट भी बनवाऊंगा आपको और इन्वाइट भी करना सिखाऊंगा ठीक है सर जी सर जी सर ठीक है सर थैंक यू सर नमस्कार सर थैंक यू सर आपने इतना शानदार जानकारी दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू सर थैंक यू बहुत बढ़िया हरि नारायण जी अभी का का कोई भी का आप दिखाएंगे और उसके बाद फिर इनका मान लो वीडियो आपने दिखा दिया है तो अभी वीडियो दिखाने के बाद इनका कोई उसका लिस्ट मेकिंग का प्रोसेस करवाएंगे जी लिस्ट लिस्ट बनवा के फिर उसपे इन्वाइट करवाएंगे लिस्ट भी बनवाओ इनकी हाँ लिस्ट बनवा तो के बैठा के लिस्ट बनवा के देखो लिस्ट बनाने के लिए मैंने जो तरीका बताया विश्वास सर वैसे ही लिस्ट निकाल को अपने देखो मोबाइल में आप देखोगे हजारों कॉन्टेक्ट सेव रहते हैं मोबाइल तो वो क्या काम आएंगे हमारे वही तो हमारी लिस्ट है पूरी और जो आस पड़ोस में चारों तरफ रहते हैं जो हमारी नज़र में दिखाई देते हैं लोग वो लिस्ट ही तो है और हम इंडिया में सर विश्वास सर लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती है इंडिया में इतने सारे लोग हैं लिस्ट की भरमार है मैंने मैं आपको बताऊं सर मैंने रिश्तेदारों को भी बिजनेस प्लान दिया मैंने साथ वालों को दोस्तों को भी बिजनेस प्लान दिया बहुत कम एक दो रिश्तेदार और आए लेकिन मैंने क्या किया मैंने जो भी मुझे दिखाई देता था ना उसको मैं अपनी लिस्ट में ऐड कर लेता था मैंने कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ कोई भी दिखाई दिया उसको गुड मॉर्निंग नमस्कार गुड इवनिंग किया राम राम श्याम श्याम किया और उससे दो तीन दिन बात करी वो मेरे लिस्ट में ऐड हो गया और मैंने ऐसे कर कर के अपने नौकरी के साथ साथ मैंने इस बिजनेस में ढेर सारे लोगों को लिस्ट बना बना के बना बना के उनको बिजनेस प्लान शो कर करके इस बिजनेस में ले आया और आज आप देखोगे कि ये ढेर सारे लोग बना के आज आपके सामने मेरी टीम पचास हजार से ऊपर की खड़ी कर दी तो लिस्ट बनाओ सर इस तरीके से हमें लिस्ट बनानी है बना सकते हो यस yes, सर चलो बहुत बढ़िया लिस्ट बनाने के बाद हमें इनवाइट करना है सामने वाले को कॉल करना है कि आपसे मिल के बैठ के और चाय पीनी है देखो कई प्रकार के लोग होते हैं आपको ऐसे भी लोग बोलेंगे कि यार पता नहीं किस लिए बुला रहे हैं क्यों बुला रहे हैं तो सीधा सिंपल तरीका है पहली चीज़ पहली चीज़ तो ये है कि बैठ के बहुत दिन हो गए हमने आपसे कोई बात नहीं करी तो हम बैठ के बात करते हैं और दोनों मिलके और बहुत सारी बातें पहले हुई नहीं है तो अपन बैठ के बात करते हैं चाय पीते हैं आपके साथ में चाय पीने के लिए इनवाइट कर लिया उनको हस्बैंड वाइफ को सामने वाले को हमें चाय पीने के लिए या तो अपने घर पे इनवाइट करना है या उसके घर पे तो उनके घर पे भी जाएंगे पूरे परिवार को बिठा के हम बिजनेस प्लान शो करेंगे तो उनको भी करना चाहिए ना वो अपने आप करना शुरू करेंगे क्योंकि उनको भी चाहिए आपकी तरह सारी चीजें तो इस तरीके से हमें इन्वाइट करना है तो इन्वाइट करके हम लोगों को और इस बिजनेस में ला सकते हैं ठीक है सर जी सर जी सर थैंक यू थैंक यू विश्वास सर थैंक यू महागुरु जी चलो बहुत बढ़िया जी वंडरफुल और आज का जो सेशन है प्रैक्टिकल जो सेशन है और ट्रेनिंग का जो सेशन है जिसको करने से रिजल्ट आते हैं और जिसको करने से टीम ग्रो करती है जिसको करने से टीम डुप्लीकेट होती है वो सारी बातें हरिनारायण चौधरी जी ने बताई और विश्वास जी ने समझी और आ, हजारों लोगों ने यूट्यूब लाइव पे हजारों लोगों ने जूम पैनल पे ये समझी और लाखों लोग बाद में इसको सीखने वाले हैं तो इस तरीके से अगर हर नए बंदे की जो, जो ज्वाइन करता है उसकी अगर एफ की जाए तो मुझे लग रहा है कि उनमें से करीब करीब फिफ्टी परसेंट या उससे भी ज्यादा जो एवरेज जो निकलेगी वो सारे के सारे लोग आपकी टीम में एक्टिव हो सकते हैं और अगर ये लोग एक्टिव हो गए तो इसका मतलब आपकी टीम में एक्टिव लोगों की बल्ले बल्ले हो सकती है और बहुत बड़ा काम और बहुत बढ़िया काम हो सकता है ये कई लोगों को लगेगी कि सर ये कुछ स्लाइड है तो हम जानते हैं हमको तो मालूम है अरे आपको तो मालूम है लोगों को नहीं मालूम ना सही है आपको तो, तो मालूम है आठ लाख रुपए कमाए जा सकते हैं फिर भी नहीं कमा रहे लेकिन कई सारे लोगों को नहीं मालूम अगर उनको मालूम लग जाएगी तो तो कमा कर दिखा देंगे तो दोस्तों तो आज की जो जानकारी है बहुत गजब की तरीके से हरिनारायण चौधरी जी ने दी और उनका साथ दिया विश्वास दादा ने मैं चाहता हूँ इन दोनों के लिए एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए दोनों टाइगर्स के लिए एक बहुत जोरदार तालियां थैंक यू थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया हरिना जी रियली really में आपने आज आप बिल्कुल कलम तोड़ दी है और इतिहास लिखने का जो मंत्र था सक्सेस सिस्टम का और हमारे अपलाइन द्वारा दिया गया वो सारा सारा का मंत्र आपने आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया है तो आई एम प्राउड ऑफ यू और विश्वास दादा ने पूरा सहयोग किया विश्वास दादा आप बीच में स्क्रीन ले रहे थे आ, अगर स्क्रीन ना लेके आप गुड लिसनर की तरह सुनते रहते तो पीपीटी तो आपको मिल ही जाएगी ना सही दे, है दे। तो जितना बोला जाता उतना ही किया करो इसलिए फौजी आदमी होगा दिमाग नहीं लगाना चाहिए